यहाँ पे दादा पोता ये दादा पोता खा रहा है लोग के है बाबा के है तो केकर बाबा है सिंह जी बाबा के कर है बाबा के कर है किसके बाबा है किसके है पगला डुगू के बाबा ना किसके बाबा बुबू के तो पापा हैं बाबा किसके हैं डुगू के बाबा हैं ए मालिक जी उठिए खाना गया दादी आप बोलने दादी हाँ बेटा आप बोलने से खाना गया उठिए मालिक जी जादू खाना खा चलो खाना खा चलो इधर रख दो हम लेंगे हमको दे पापा को दे चार निकालेंगे दे देने मिर्चा का बेटा मूली लेंगे हाँ जी हम ना कभी बोलना सीखे हैं ऐसा हूँ अभी पापा के साथ तो धाम धूम हो गया पेट में भर गया तो उसको साबित तो करना हाँ मूली बहुत फायदा करता है मूलियाँ नहीं खाया यहाँ पे सब लोगों को खाना आ गया एवरीवन सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं यहाँ पे खाना आ चुका है तो एवरीवन यहाँ पे खाना आ चुका है अभी हम चल रहे खाने मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा नवरात्रि निकला है तो थोड़ा सा निकालेगा तो चलिए खाना खाते फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो एवरीवन ये ना 13 अक्टूबर का वीडियो है और इसमें 2 दिन का वीडियो मिक्स है तो आप लोग प्लीज इन्जॉय कीजिएगा। यहाँ पे हो रहा है खाना आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं। यहाँ पे चल रहा है आइसक्रीम पार्टी और ये है मेरा आइसक्रीम सब लोग आइसक्रीम खा रहा है चौको बरवा चौको पाई यहाँ पे आइसक्रीम चल रहा है तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग आइसक्रीम पार्टी चल रहा है। तो हमारे यहाँ विजयदशमी के दिन मूर्ति भसान नहीं हुआ था 13 तारीख को हुआ था तो हम लोग ऐसे ही घूमने थोड़ा बहुत देखने चले गए। आप लोग आगे एंजॉय कीजिए। सिटी के रोड लगाया था तो यहाँ पे चल रहा है एवरीवन गोलगप्पा पार्टी। हम लोग खा लिए ननद भाभी खा रही हैं यहाँ हमारे डुगू खा रहे हैं पेट भर ढके ना अपन हाथ नहीं धोए हैं पनिया खाए वही सही है वही डाल दे हाथ थोड़े धोए हम अभी कैसे हानि कर दिया अरे हमने पानी का टेस्ट नहीं आ रहा है सब अच्छा अच्छा बोल के खाया जा रहा है हमको पानी का टेस्ट भी नहीं आया तो फिर हम सोचे कि तो 13 तारीख को रात में मूर्ति भसान देख के आई ना तो डोसा का मतलब प्लान था कि डोसा बनेगा डिनर में तो यहाँ पे डोसा और चटनी बना है तो चलिए दिखाती हूँ आगे। पापा खा रहे तो साथ आ रहा है खाओ तो फिर हम लेना है कि नहीं फोन ही बताओ लेना है ना गेम खेलना है ना हाँ तो जल्दी से खाओ जल्दी से एप्पल खत्म ए पप्पू के पापा। तो यहाँ पे आ गया मेरा सब्जी तो एवरीवन यहाँ पे हरी हरी ताजी सब्जी मैं अभी लेके आ गई हूँ। यहाँ पे है लौकी यहाँ पे मूली मैंने लिया है और ये है एकदम ताज़ा ताज़ा बैंगन इसमें है धनिया पत्ता जो कि एकदम फ्रेश धनिया पत्ता है और ये है पत्ता को भी दिखाओ रिमी और ये देखिए एकदम फ्रेश पत्ता को भी है। यहाँ पे ये पालक है जो कि एकदम घर का देसी पालक का साग है और ये भी देखिए लाल भाजी क्या है और यहाँ पे देखिए नेनुआ ये ना एकदम घर का पेड़ का नेनुआ है जो कि अच्छा जिसकी जिन भैया से मैं लेती हूँ वो भैया खुद मतलब खेती कर मतलब थोड़ा बहुत सब्जी लगाते हैं तो वही लेके आते हैं तो फूल लाती थी तो उन्हीं से मैंने लेके आई हूँ। तो ये देखिए इतनी ताज़ी हरी हरी ताज़ी सब्जी सुबह सुबह मैं लेके आ गई हूँ अब इसमें से बनेगा रिमी बैठ के बनाने के लिए तैयार है ना रिमी। तो चलिए हरी हरी सब्जी आ गई
अब सब लोग यहाँ पे देखिए, ये मालिक हमको सिर्फ 100 रुपया दिए थे सब्जी। अब तो रिकॉर्डिंग हो गया लेकिन वो एडिट कर सब कटा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये ब्लॉग है जो कि 14 तारीख को, तो मैं गई थी सब्जी लाने, सुबह सुबह ही चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने वही बता रही थी कि इतना महंगा सब्जी है, ये 60 रुपये का नेनुआ है, 120 रुपये का नेनुआ है, 2 केजी 60 रुपये किलो, 40 रुपये केजी लौकी है, तो फिर ये 2 बंडल 50 रुपये का पालक है, और 60-65 रुपये का लाल भाजी है, 40 रुपये का 100 ग्राम धनिया पत्ता है। और यही मैं बता रही थी, बट यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, मुझे म्यूट करना पड़ा। यहाँ पे 30 रुपये का मूली आधा किलो और 40 रुपये का बैंगन है, तो यहाँ पे पत्ता गोभी भी 40 रुपये का। तो वही बता रही कितना सब्जी है, सब्जी बहुत महंगा मिलता है, अब तो हर जगह ही सब्जी महंगा मिलना है। तो यही मैं बता रही थी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे महंगा दिया, 60 रुपये के जी नेनुआ, तो मैंने 2 किलो नेनुआ लिया है। तो बस इसके आगे भी खाना बनने वाला है हमारा, क्या बनेगा, लाल साग का भात, आप लोग आगे वीडियो में किसको पसंद है बताइएगा जरूर, और आलू फूलगोभी। उधर लाल साग भात वाला पार्टी है, इधर लाल साग भात वाला कम पार्टी है, उधर ज्यादा पार्टी है, इधर पार्टी है, सब पार्टी, हम लोग सब पार्टी है, लेकिन लाल साग भाजी वाला ज्यादा पार्टी उधर है और इधर कम है, तो इसलिए लाल भाजी ज्यादा आया है। और ऐसे भी साग खाना चाहिए, विटामिन होता है। तो मैं हम आपका 2 मिनट तो ऐसे ही खा गए एवरीवन। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साग कटा रहा है लाल भाजी बनने के लिए, देखिए कटा रहा है, यहाँ पे बन रहा है आलू फूल गोभी की भुजिया, हमको खा लीजिए मम्मा बेटा। हाँ, यहाँ पे देखिए आलू एवरीवन, यहाँ पे चावल चढ़ा हुआ है और यहाँ पे साग कटा रहा है, यहाँ पे धनिया पत्ती को साफ किया जाएगा, इसमें थोड़ा धनिया पत्ती बड़ी महंगा है, कोई बात नहीं है, बचा बचा काम करना है। तो यहाँ पे खाना बन रहा है, सब लोग नहा धोवा लिए हैं और सब लोग खाने के इंतजार में है। खाना निकल रहा है और इसका डेट बढ़ते जा रहा है जाने का, और यहाँ पे खाना निकल रहा है सबका, अभी ना छत्र ठीक है, देखो ना कैसे चल रहा है, उन्हें क्या देख रहा है, उन्हें कोई थोड़ी देखा कैसे चल रहे थे, इधर दिखाओ किचन में जाके, तो किचन में दिखाओ मम्मी के, तब ना कैसे चल, दादी के डेट बढ़ गया, डेट बढ़ गया। और यहाँ पे जुगाड़ हो रहा है कुछ काम के लिए पर्सनल, तो अपना बाप बेटा मिलके आप जुगाड़ कर रहा है लोग, एवरीवन देख लीजिए, और हम वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, लहर मार रहा है। तो यहाँ पे आ गया खाना, यहाँ पे मेरा भी खाना चुका है, देखिए तो ये है खाना। खाना कितना कैसा लग रहा है सिंह जी, मूली दे वाली गई, उसका बोले थे छीले के। तो यहाँ पे सबका खाना आ चुका है एवरीवन, सब लोग खाना खाएंगे, और टाइम हो रहा है देखिए, 1:30 खाना बना है और 8 व्यंजन हम लोग खाना खा रहे हैं, सारा खाना बनाइए बेचारी, आप दोनों बेटी तेज हो गई है ना, बैठ जाए खरीदा। तो यहाँ पर सबके खाना आ चुका है, देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं और हम भी खाना खाने आ चुके हैं, खा रहे हैं, और मेरे बाल को इग्नोर कीजिएगा, फेस थोड़ा सा मेरा ये लग रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अब डाउन चल रही है, नवरात्रि करके उठे थोड़ा सा फेस काला काला हो रहा है क्योंकि तबीयत डाउन चल रहा है। चलिए हम खाना खा के मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। फिर 14 शाम को ना, अगले दिन जो शाम को 14 तारीख को मुझे गोलगप्पा लाने का मन किया, क्योंकि जो 13 तारीख को गोलगप्पा लगे थे लोग मन भर से नहीं खाए थे, क्योंकि मिला ही नहीं था, खत्म हो गया था स्टॉक, तो आज मैं लेके आऊँ कि चलो मन भर खा लेंगे दोनों गोलगप्पा। अरे सिंह जी भी खाएंगे, भी एकदम जीव पर जाकर बैठा है, इन्हें डुगू तो यही तो बस, हाँ इसके लिए आज भी ज्यादा लिए हैं कि बेचारा अब दो करता है, बेचारा खत्म हो जाता है, तो सब लोग यहाँ पे गोलगप्पा बैठे हैं, हाँ गिलास निकाल, यहाँ पे चल रहा है सबके गोलगप्पा पार्टी, फिर ऐसे करना ठीक है। तो इधर हमारी दोनों बच्चियाँ गोलगप्पा पर खाने बैठ गई हैं, गुन के दम इधर ये, और इधर मेरा डुगू, इसके बाद भी खाना भी बहुत स्पेशल खाना आज है, उगा रखा गया है, ये लोग खा रही हम, वाह मेरा डुगू सबसे चला। तो आज डिनर में बना हुआ है छोला भटूरा, जो कि 14 तारीख का ब्लॉग है, और उसमें उस दिन डिनर में बना था छोला भटूरा। इसी के साथ इस वीडियो को इन करती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।